चलिए चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में रोल्स लॉ पढ़ रहे थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताया गया था, है ना। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बाद हम लोग एजियोट्रॉप के बारे में अगर बात कर रहे थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। एजियोट्रॉपिक क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बताइए, आइडियल सोल्यूशन में होता है या नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता है। एजियोट्रॉपिक कभी भी आइडियल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्लियर है ना। तो चलिए एक बार थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कराएंगे, मैं आप लोग बोलेंगे मैं लिखूंगा। देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन ये हमेशा नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता है। पहला पॉइंट क्या लिखाया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए क्या था भाई पॉजिटिव डेविएशन का पहला पॉइंट? क्या थोड़ा जोर से बोलेंगे? ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और पीएस की जो वैल्यू थी वो क्या थी भाई? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट से ज्यादा था। फिर वो और नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताइए? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां में क्या होगा कि ए बी का जो वैल्यू होगी, ए बी का एट्रैक्शन ए एट्रैक्शन और बी बी एट्रैक्शन से क्या ही होगा बताइए? ज्यादा होगा। और यहां में क्या होगा वो नेक्स्ट में, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। और यहां में पी एस की जो वैल्यू होगी वो एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट से क्या होगा बताइए? कम होगा। मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो पीएस की वैल्यू है वो एक्स ए पी ए नॉट और एक्स पी पी वी नॉट से कम होगा। मैं आपको लास्ट क्लास में ये पूरी पॉइंट लिखाया था, लेकिन इसके बारे में आज हम लोग पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये कौन सा बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है बताइए? क्या ये क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसी के बारे में आज बात करेंगे। और ये क्या होता है हमारा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। अच्छा, इसकी तो कर्व भी बना लेते हैं भाई, उसके बाद आपको समझाया जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में। क्लियर है ना? अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका जो कर्व बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्या ये दिखाई दे रही है? क्या क्या लास्ट से दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो बोलिए भाई, यहाँ तक ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या? ग्राफ बनाया जाए तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे आप लोग लास्ट से, क्या यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है? यहाँ तक लिखा जाए तो दिखाई दे रही है ना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, ठीक है। मान लीजिए ये अगर आप, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो देख लीजिए नेक्स्ट पेज में ही देख लीजिए भाई। ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ में एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0। और यहाँ में मैंने मान लिया कि एक्स ए का वैल्यू 0 है और एक्स बी का वैल्यू कितना है? 1। अगर बताइए यहाँ में एक्स ए का वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए? क्या यहाँ में प्योर लिक्विड ए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होता है। आप जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होता है, और यहाँ से एक्स ए 1 है तो क्या एक्स बी को तो 0 होना पड़ेगा ना भाई, तभी तो सम 1 आ सकता है। अगर एक्स बी 0 है मतलब बी लिक्विड है ही नहीं, तो लिक्विड सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए है। अगर लिक्विड ए है तो उसका जो वेपर बनेगा वो क्या बनेगा बताइए? पी ए नॉट ही तो बनेगा। यहां में भाई थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहां में हमारे पास में जो लिक्विड है वो सिर्फ किसका लिक्विड है बताइए? ये प्योर लिक्विड ए है, तो यहां में उसका जो वेपर बनेगा वो तो पी ए नॉट ही तो होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या?
क्या ये हम लोग मोल या में प्रेशर वर्सेस किसका कर्व बना रहे हैं, मोल फ्रिक्शन। क्या ये कर्व एक बार रोल्स लॉ के लिए भी बनाया गया था। अच्छा यहाँ में देखिए, अब आपने यहाँ में क्या किया, मोल फ्रिक्शन, जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं बताइए एक्से की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या ही है बताइए, प्योर लिक्विड बी ही तो है, क्योंकि बी का ही वैल्यू वन है, बी का मोल फ्रैक्शन वन है, तो यहाँ में सिर्फ और सिर्फ बी है, तो लिक्विड बी का यहाँ में जो वेपर बनेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीवी नॉट। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पीए नॉट का वैल्यू है वही पीवी नॉट के बराबर होगा, मतलब पीए नॉट और पीवी नॉट को मैंने एज्यूम किया कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप ग्रेटर भी मान सकते हैं, लेस भी मान सकते हैं, आप इक्वल भी मान सकते हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ में देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आई वो क्या आई, थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अब देखो आप लोगों को मालूम होगा पीए और पीएस की ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, पीए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाली लाइन पीएस कहलाती है, और इसको इसे ज्वाइन करने वाली लाइन और इसे इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ये क्या कहलाता है भाई, तो ये तो हमारा रोल्स लॉ है ना, क्या ये हमारा रोल्स लॉ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ रहे थे रोल्स लॉ में पीए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाला लाइन पीएस है, लेकिन यहां में क्या बोला जा रहा है बताइए, कि जो पीएस की वैल्यू होती है वो किससे ज्यादा होती है, एक्से पीए नॉट प्लस एक्सबी पीवी नॉट से ज्यादा ही होता है, तो इसका जो कर्व बनता है भाई वो ऐसे बनता है, देखिए ठीक है ये है लाइन, मतलब ये हमारा जो ये तो जो डॉटेड डॉटेड लाइन है वो तो रोल्स लॉ को बता रहा है, समझ पा रहे हैं क्या, क्या बताइए रोल्स लॉ में मैं बोला था कि जब भी पीएस की वैल्यू होती है वो पीए नॉट और पीवी नॉट से पीए नॉट और पीवी नॉट के बीच में ही पीएस की वैल्यू होती है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव डेविएशन में ये वैल्यू ज्यादा होती है, जो वैल्यू आना चाहिए रोल्स लॉ उससे ज्यादा यहाँ में प्रेशर आता है, टोटल वेपर प्रेशर, समझ पा रहे हैं क्या, ऐसा क्यों आता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, अब इसमें देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, ठीक है नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा भाई, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है उससे कम आ जाता है, ये जो लाइन है ये जो मतलब टोटल वेपर प्रेशर, मतलब ये लाइन जो हो रही है वो रोल्स लॉ का टोटल वेपर प्रेशर होता है, लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन में उसकी जो टोटल वेपर प्रेशर होती है वो पीए नॉट और पीवी नॉट से भी कम आ जाती है, क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये कर्व आपको बना लेना है उसके नीचे में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, कॉपी नहीं करना है, आराम से बाद में कॉपी, क्या भी बनाएंगे क्या आप लोग इस कर्व को, बना लीजिए भाई, पॉजिटिव डिवीजन और निगेटिव डिवीजन में अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो इसके ये पॉजिटिव डिवीजन का कर्व है और ये निगेटिव डिवीजन का कर्व है, वन वीक मैक्स टू मैक्स लगेगा या नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म होगा, देखिए चैप्टर खत्म होने के बाद ही आप लोग का टेस्ट होगा, और आप लोग का रोल नंबर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी से हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप भी बना हुआ है, तो आपका पूरा अटेंडेंस उनके पास जाएगा, है ना, तो इसलिए ऐसा हर ग्रुप में, जैसे क्लास 11 में देखेंगे कि आपका पूरा रिकॉर्ड आपके पेरेंट्स को भी पता होता है ना, जरूरी भी है ना ऐसा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास आने के वजह कहीं और पाए जा रहे हैं, है ना, ऐसा सिचुएशन हो जाती है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी भाई बना लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको पूरा वन मंथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आएंगे, ठीक है। आप लोग का दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा है क्या, किसका जो टोटल वेपर प्रेशर है पॉजिटिव डिविजन के लिए ज्यादा क्यों हो गया, है ना, और इसमें नेगेटिव डिवीजन में कम क्यों हो गया, रोल्स लॉ से भी कम हो गया, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बताए, क्या कॉपी हो गया, क्या क्या ये कॉपी कर लिया आप लोग, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, आप लोग को एक टर्म्स बताया गया था, बात नहीं करना है, देखिए एजियोट्रॉप क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलेंगे, एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप ऐसा, एजियोट्रॉप कौन सा सोल्यूशन होता है, बाइनरी सोल्यूशन या कैसा टाइप का सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन में बताइए सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन फिक्स होती है या वेरिएबल होती है, फिक्स होती है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन फिक्स होती है जब उसको बॉयल किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है, ऐसे टाइप के सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, एजियोट्रॉप बोला जाता है, क्या एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन को, क्या एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है भाई,
कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, क्या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है, कॉपी नहीं करनी, अभी ध्यान से सुनिए, क्या हमारा जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक का नाम क्या होता है भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो दूसरा का नाम क्या होता है भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, एक का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा का नाम होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसको बोलते हैं जब दो इंडिविजुअल लिक्विड है, जैसे मान लो हमारे पास में एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड को मिला के आपने एक एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बना दिया, क्लियर है ना भाई, आपने एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड को मिलाया और एक सोल्यूशन बना दिया, मान लो एक एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बना दिया, उस सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल दोनों की बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो नाम हो जाता है क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्लियर है ना भाई, जब दो इंडिविजुअल की बॉइलिंग पॉइंट से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, जैसे हमने ले लिया भाई इथानॉल, क्या ले लिया भाई, इथानॉल, और यहां में ले लिया वाटर, अब दोनों को मिलाएंगे भाई, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहां में सोल्यूशन बनेगा, क्या इस सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन में क्या भी होगा, इथानॉल भी होगा और वाटर भी होगा, क्लियर है ना। अब देखो इसकी मैंने बोला था कि जब भी एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बनाना है तो उनकी कंपोजिशन को फिक्स करना है, अपना मर्जी से नहीं लेना है, ये नहीं कि अल्कोहल ज्यादा ले लिया या वाटर ज्यादा लिया, दोनों की कंपोजिशन होती है फिक्स। तो ध्यान से देखेंगे भाई, तो यहाँ में जो इथानॉल होता है वो 95, यहाँ में हमारा जो वाटर होता है, वाटर अल्कोहल को लेना है 95.5% और वाटर को लेना है 4.5%, क्या दोनों की कंपोजिशन को क्या करना है भाई, फिक्स करना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। तो वाटर हमारा कितना होगा 4.5% और इथेनॉल कितना होगा 95.5%, ओ सॉरी, क्या दोनों को ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा क्या, आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है भाई, 78.37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताइए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों को मिलाया तो सोल्यूशन बना, क्या सोल्यूशन बनने में, क्या सोल्यूशन जो बना है उसमें दोनों की कंपोजिशन फिक्स है या वेरिएबल है, फिक्स है। तो देखा गया ये सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आ गया भाई 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे बताइए क्या ये दोनों इंडिविजुअल का बॉइलिंग पॉइंट से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है, कम है। अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नाम क्या रखा गया इसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्या नाम रखा गया भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं इसको आपको इथेनॉल और वाटर को ए बी करके समझाता हूँ, क्लियर है ना भाई। तो मान लो ये इथेनॉल है तो क्या मैं इसको ए बोल सकता हूँ क्या, क्या वाटर को मैं बी बोल सकता हूँ क्या, तो क्या ये जो सोल्यूशन होगा वो ए बी हो जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये जो सोल्यूशन बना है भाई, बताओ ये जो सोल्यूशन बना है क्या सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई, सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई या ज्यादा हो गई, कम हो गई। अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब सोल्यूशन में अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम हो गया, अरे भाई कम अट्रैक्शन है तभी तो कम टेम्परेचर में इवोपरेट हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितना अट्रैक्शन होगा, जितना लिक्विड में अट्रैक्शन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगी और उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं। मान लो कोई लिक्विड है भाई, लिक्विड उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है उस लिक्विड को दूर करने के लिए, इवोपोरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी। अगर लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर बनाएगा ही नहीं, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई, मैं बोल सकता हूं अगर ये इथेनॉल है भाई तो क्या इसमें AA अट्रैक्शन हो रहा होगा, इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, या मैं वाटर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ BB अट्रैक्शन, क्या ये सोल्यूशन में मैं बोल सकता हूँ कि AB अट्रैक्शन। और सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई इसका मतलब बताओ सोल्यूशन में ज्यादा अट्रैक्शन है या कम अट्रैक्शन है, कम अट्रैक्शन है। मैं बोल सकता हूँ क्या AB अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा AA अट्रैक्शन और BB अट्रैक्शन से, बोलिए
भाई सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब सोल्यूशन में अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब सोल्यूशन में अट्रैक्शन है कम, इंडिविजुअल लिक्विड में अट्रैक्शन क्या है ज्यादा। तो क्या ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ रही है क्या? क्या आप थोड़ा सा यहां में देखो भाई, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन होता है या निगेटिव डेविएशन होता है, बताइए, पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। तो जो पहला पॉइंट लिखा गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यही पहला पॉइंट है कि सोल्यूशन का अट्रैक्शन कम, इंडिविजुअल लिक्विड का अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है? तो क्या पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है भाई? अब बताइए, सोल्यूशन में अट्रैक्शन हो गया कम, अगर सोल्यूशन में अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या इसके वेपर ज्यादा बनेगा? अगर ज्यादा बनेगा तो इसकी वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगी, मतलब जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो कैसी हो जाएगी भाई? पॉजिटिव। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और बताइए, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, इस लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा था, इस लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा था, जब दोनों को मिलाया गया सोल्यूशन में अट्रैक्शन हो गया कम, अगर अट्रैक्शन कम होगा तो इसका वेपर ज्यादा ना बनेगा, तो क्या उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, इसलिए उसकी पीएस की वैल्यू एक्सए पीए नॉट और एक्सपी पीवी नॉट से ज्यादा आती है, इसलिए उसका जो कर्व होता है वो देखिए ऐसा होता है, क्योंकि उसका वेपर ज्यादा बनेगा क्योंकि लिक्विड में अट्रैक्शन है कम। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? क्या तुम समझ में आया? नहीं आया? आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? तो यही आपको समझ में आना है, ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? क्या तुम जबरदस्ती बोल रहे समझ में आया? हाँ, तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप हो गया? एक बार मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम लोग लिख लेंगे भाई, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, मान लो यहां में वाटर है भाई और यहां में नाइट्रिक एसिड, दोनों को मिलाएंगे तो यहां में क्या हो जाएगा भाई? वाटर और नाइट्रिक एसिड का हमारा क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि आप लोग? अच्छा देखिए, जब भी हम लोग वाटर और नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो दोनों की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए भाई? फिक्स होनी चाहिए। वाटर होगा 68% और नाइट्रिक एसिड होगा 32%। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड कितना होगा? थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। देखिए, नाइट्रिक एसिड कितना होता है भाई? 68%, और वाटर कितना होगा? 32%। इनकी कंपोजिशन ऑलरेडी पहले से फिक्स होती है, ये सब बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि इसका कंपोजिशन कितना होता है, जस्ट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या वाटर और नाइट्रिक और सोल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट हो गई वो कितनी हो गई भाई? 393.51 केल्विन। ठीक है, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो गई? 393.51 केल्विन। ठीक है, अब देखिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रिक एसिड का 83 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हैं क्या? और 393 से अगर हम लोग माइनस कर दे 273, बताइए कितना आएगा? बताइए आपका 393 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 120, मान लो 120 डिग्री सेल्सियस आएगा, है ना? डेसिमल को हम लोग हटा भी देते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आ जाएगा ना? 393.51 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्या 120 डिग्री वैल्यू हो जाएगी? 273 ऐड करेंगे तो 393 तो हो ही जाएगा ना भाई? 120 प्लस 273 तो 339 हो जाएगा ना भाई? तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब बताओ, इसकी बॉइलिंग पॉइंट और इसकी बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसको ए नाम कि नहीं हो जाएगा? और बताइए, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब सोल्यूशन में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया और इन दोनों में अट्रैक्शन कम है, तो क्या आप बोल सकते हैं बताइए कि जो ए बी अट्रैक्शन होगा वो ए ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन से क्या होगा भाई? ज्यादा होगा।
अगर बताइए इसका एट्रैक्शन ज्यादा है तो इसके वेपर बनेंगे क्या ज्यादा, कम बनेगा, तो उसकी वॉल्यूम जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी, इसलिए उसकी डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लेस देन जीरो। और इसका जो टोटल, देखो भाई अगर सोल्यूशन में बहुत ज्यादा एट्रैक्शन हो गया तो क्या ये वेपर बनाएगा क्या, नहीं, जितना वेपर बनना चाहिए उतना वेपर नहीं बनेगा, इसलिए उसकी पीएस की वैल्यू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट से क्या होती है भाई, कम होती है, क्योंकि इस लिक्विड में एट्रैक्शन है ज्यादा, अगर एट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर बनेगा ही नहीं, अब वेपर नहीं बनेगा तो टोटल वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से भी नेगेटिव डेविएशन। क्या ये कर्व देख रहे हैं कि आप लोग, ये कर्व नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि उस लिक्विड में एट्रैक्शन है ज्यादा, अगर एट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका वेपर नहीं बन सकता है। क्या आप समझ में आ रहे होंगे, तो चलिए यहां तक आप लोग कॉपी कर लिए थे, नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्लैश कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन, लिखिए एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन या एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, या आप क्या लिख सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्लियर है ना, स्लैश कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन, दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ, लिखिए दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ, दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ, दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड Having same composition, having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature are known as azeotropic solution. They are binary mixture of two liquid having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature are known as azeotropic solution. क्या आप समझ पा रहे हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप ऐसा लिखेंगे, azeotropic solution हो गया ना, एक पॉइंट में ऐसा लिख के लिखिए, दूसरा पॉइंट, azeotropic solution cannot be separated by, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस या मेथड, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आइडियल सोल्यूशन कैन नेवर बी एजियोट्रॉपिक, आइडियल सोल्यूशन नेवर बी एजियोट्रॉपिक, आइडियल सोल्यूशन नेवर बी एजियोट्रॉपिक, क्लियर है ना भाई, आइडियल सोल्यूशन नेवर बी एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक हमारा कौन सा सोल्यूशन होता है, आइडियल या नॉन आइडियल, तो आप बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। फिर देखिए हमारा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कितना प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन दो प्रकार का होता है, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पहला, और दूसरा का नाम हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन लिख लीजिए, नेक्स्ट में इसका लिख लेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, फर्स्ट नंबर में लिखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, तो लिखेंगे इसके अंदर में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर में लिखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर में लिखेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर द मिक्सचर ऑफ, आर द मिक्सचर ऑफ, आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड होज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड होज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन either of the two pure component, either of the two pure component, minimum boiling azeotrop are the mixture of two liquid whose boiling point is less than either of the two pure component, ठीक है, next paragraph में लिखेंगे they are formed by non-ideal solution showing positive deviation, they are formed by non-ideal solution, they are formed by non-ideal solution
showing positive deviation. They are formed by non-ideal solution showing positive deviation. क्या ये समझ में आ रहा होगा, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, और एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं इथेनॉल और वाटर. इथेनॉल की कंपोजिशन कितनी होती है, 95.5%. वाटर कितना होता है, 4.5%. दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया, और इसमें इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 38.7 डिग्री और वाटर का इतना है, लेकिन सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट जो आई वो दोनों इंडिविजुअल लिक्विड से कम आ गई, तो नाम क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. क्या आप समझ पा रहे होंगे, और इसको भी कहीं कॉपी कर लीजिएगा, जिसका एट्रैक्शन होगा ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी ज्यादा, वेपर प्रेशर कम होगा. ये तो आप पहले भी लिख चुके होंगे शायद, ठीक है, कॉपी हो गया होगा, ठीक है. और ये जो मैंने यहां से लिख दिया होगा कि एवी एट्रैक्शन, ये वाला यहां से देखिए भाई, समझ पा रहे हैं क्या, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है तो इसमें कुछ ना कुछ एट्रैक्शन होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एट्रैक्शन होगा, ठीक है. लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो सोल्यूशन बन गया भाई. सोल्यूशन में एट्रैक्शन बताइए ज्यादा हो गया या कम हो गया, कम हो गया. क्यों, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी. अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगी तो एट्रैक्शन होगा कम, एट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो जो रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो ज्यादा ही आएगी, है ना, ठीक है. तो कॉपी हो गया होगा तो बता दीजिए, हो गया क्या. अगर हो गया होगा तो नेक्स्ट में लिखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का वही सेम डिफिनीशन है, वहां में आपने लेस देन लिखा था तो वहां में मोर देन लिख देना है. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट, हुज बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट आर मोर देन, आर मोर देन आइदर ऑफ टू कंपोनेंट, आइदर ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लेंगे दे आर फॉर्म बाई, दे आर फॉर्म बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन. दे आर फॉर्म बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन. ठीक है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है. तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, देखिए वाटर है और नाइट्रिक एसिड है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 30, वाटर ये जो परसेंटेज लिखा है वो क्या लिखा है भाई, इसकी परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये परसेंटेज का मतलब इनका क्या लिखा है भाई, कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन है ये. मतलब वाटर इतना परसेंट होगा और नाइट्रिक एसिड इतना परसेंट होगा, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 100, तो देखा गया सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल दोनों लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ रही थी, तो नाम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. अच्छा बताइए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कैसा टाइप का सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, बिल्कुल सही बात है. जहां भी आपको आ जाएगा क्लोरोफॉर्म दिखाई देगा समझ लेना निगेटिव डेविएशन हो जाएगा. चलिए तो देखिए जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन से क्वेश्चन नहीं हो रहा था अब वो होने लगेगा, ठीक है, हो गया क्या, कॉपी कर लिए. तो दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग नीट का. तो पहला क्वेश्चन लिखिए 2020 में आया था, नीट 2020 में, ठीक है. चलिए भाई लिखिए पहला क्वेश्चन, द मिक्सचर विच सो, द मिक्सचर विच सो पॉजिटिव डेविएशन, द मिक्सचर विच सो पॉजिटिव डेविएशन from Rolle's law is, benzene and toluene, acetone,
तो देखिए बोला गया है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? अब आप लोग आराम से सॉल्व करके बोलना नहीं है, अभी कुछ सोच लीजिए कौन सा आंसर होगा। अगर जो आंसर होगा तो बाकी क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है? अगर मान लो आपने बोल दिया कि ए होगा तो बाकी क्यों नहीं होगा उसके बारे में भी बताना है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो कॉपी कर लिए होंगे, है ना? तो देखिए क्या बोला है कि कौन सा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ से, है ना? तो बताइए क्या क्या आंसर आप लोग का लग रहा है सर? अच्छा बताइए, पॉजिटिव वन लग रहा है क्या? अच्छा कितने स्टूडेंट हैं जिनका वन आंसर सही लग रहा है? वन। बाकी स्टूडेंट जिनका सी लग रहा है? कोई भी स्टूडेंट जिनका आंसर सी? सी में कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है। क्या सबका आंसर ए है? अच्छा बताइए, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप होता है या मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप होता है? मिनिमम। क्या पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप, है ना? अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग हर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। क्लोरोइथेन का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? C2H5Cl, और ब्रोमोइथेन मतलब C2H5Br। तो बताइए ये दोनों, मतलब जो डी ऑप्शन लिखा है वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा भाई? आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि दोनों तो सिमिलर सिमिलर है, तो अट्रैक्शन भी तो सिमिलर ही होगा। तो मैं आप लोगों को बताया था कि क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन हमेशा कौन सा सोल्यूशन होगा भाई? आइडियल सोल्यूशन होगा। अच्छा बताइए, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, जहां भी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दिखाई दे बताओ वो पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन? निगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म आ जाएगा तो कौन सा डेविएशन भाई? निगेटिव डेविएशन। अच्छा बताइए, बेंजीन और टोल्विन कौन सा सोल्यूशन बनाएगा? आइडियल सोल्यूशन। तो बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये? तो अगर चारों ऑप्शन के बारे में आपको आइडिया होगा तो जरूर, अगर तीन तो हो ही नहीं सकता, बी सी डी तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए? ए है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखेंगे भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्या ये क्वेश्चन हो गया क्या? तो क्या इसको कॉपी कर लिए होंगे आप लोग? ये 2020 में आया था, एक 29 का देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, है ना? वो एक नया ही टॉपिक है भाई, गलती से भी अब्सेंट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक हम लोग का जो सोल्यूशन था वो दो पार्ट में था, एक पार्ट आज हम लोग कवर कर लिए, दूसरा पार्ट हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखिए भाई, द मिक्सचर डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, द मिक्सचर डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। ऑप्शन नंबर ए, क्या देखना है भाई? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, हेप्टेन ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, इथानल प्लस वाटर। और ऑप्शन नंबर डी, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। बताइए, चार ऑप्शन लिखा गया है और बोल रहे कि मैक्सिमम बॉइलिंग है जो ड्रॉप। देखिए भाई सब लिखा है टू, तो चलिए बहुत सारे स्टूडेंट भी बता रहे हैं, क्या बी होगा क्या? अच्छा बताइए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब पॉजिटिव डेविएशन है और निगेटिव डेविएशन? निगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन की बात किया जा रहा है भाई? निगेटिव डेविएशन की बात किया जा रहा है। और देखिए निगेटिव डेविएशन में मैं बोला था कि क्लोरोफॉर्म आ जाए तो निगेटिव डेविएशन होता है कि नहीं? और देखो भाई, अगर हमारा एसीटोन आ जाए, एसीटोन तो जनरली वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, लेकिन एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म आ जाए तो, एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म आ जाए तो निगेटिव डेविएशन। अगर सिर्फ एसीटोन है तो क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है ना भाई? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये हेप्टेन और ऑक्टेन बताइए क्या बनाएगा भाई? हेप्टेन और ऑक्टेन क्या बनाएगा? आइडियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन भाई? आइडियल सोल्यूशन। तो ये तो आइडियल सोल्यूशन होगा। और बताइए वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, मैं आपको बताया था
वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर प्लस HCl, ये तीनों हमेशा कौन सा सोल्यूशन हो जाता है? निगेटिव डेविएशन। तो ये कैसा डेविएशन होगा भाई? निगेटिव डेविएशन। और जहां निगेटिव डेविएशन होता है वहां में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होती है। बताइए इथेनॉल प्लस वाटर अभी सोल्व कर रहे थे आप लोग, इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन। बताओ एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन दिखाई दिया और CH2 दिखाई दिया, तो बताओ ये दोनों को क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। और लेकिन एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, बाकी एसीटोन के साथ में कुछ और आए तो क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो क्या एग्जाम्पल याद करना भी जरूरी है? अगर एग्जाम्पल याद नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या आप लोग और दो क्वेश्चन करेंगे क्या? काफी मजा आ रहा है आप लोगों को, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या यहाँ तक कॉपी हो गई होंगी? कॉपी हो गया, हुआ है नहीं हुआ है? हाँ ना, बोल दीजिए एक बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए भाई। ये भी देखिए 2019 का ही है। चलिए लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे। क्या क्वेश्चन कॉपी हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, ठीक है, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी। ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ऑप्शन नंबर डी, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन AA and BB are equal to those between AB। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या चार ऑप्शन है? आराम से सोच के बताइए कौन सा सही होगा। क्या भाई लास्ट से दिखाई दे रही है ना, बताइए कौन सा सही है? A। अच्छा बताइए यहां में क्या बोला है कि कौन सा डेविएशन होना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन बोलना होना चाहिए, है ना? वो पहले देखिए, ध्यान से देखेंगे जो आपको ऐसा लगता है पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। और यहां में लिखा है इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन, मतलब ये देखो क्या बोल रहा है, दोज बिटवीन ए बी। यहां में ऐसे बोला जा रहा है कि जो ए बी अट्रैक्शन है ना भाई, यहां में क्या है देखिए, जो ए बी अट्रैक्शन है वो कम है। कौन कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा है? ए और बी बी, मतलब ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी अट्रैक्शन। ऐसा कौन सा कंडीशन होती है? पॉजिटिव डेविएशन ही वाला तो होता है। तो बताइए पॉजिटिव डेविएशन है तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। और बताओ ये बी सी डी कौन सा पॉइंट को बता रहा है? ये कब जीरो होता है बताइए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये कैसा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। ये भी कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। और जब अट्रैक्शन बराबर होता है वो भी कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें टाइम लिमिट होगा, जो जल्दी से करेगा वो घर जल्दी जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ तक कॉपी हो गई? क्या मैं आगे बढ़ू भाई? ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए 2016 में आया भाई नीट का क्वेश्चन, 2016। अगर आपके पास PYQ, देखिए भाई आप लोग अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट PYQ तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा आपका पास बुक होना ही चाहिए 35 या 36 या 37 ईयर का।
एक जरूर बुक ले लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, ताकि यहाँ में आप लोग PYQ तो जरूर सॉल्व करना है। चलिए लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या आप लोग पैसा तो नहीं बचा रहे ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल, ओवर एन आइडियल 1:1 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ, मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्वीन, बेंजीन एंड टोल्वीन इज करेक्ट। एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज, द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, गिवेन वेपर प्रेशर, गिवेन वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन इज इक्वल टू 112.8 kPa, देखिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन को, ये चार ऑप्शन है और आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्वीन इज करेक्ट, है ना। मोलर मिक्सचर मतलब मोल का रेशियो दिया है आपको, बेंजीन और टोल्वीन का मोल का रेशियो दिया है, और लिखा है कि ये जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, और कितना डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस समय, अच्छा देखिए ये क्या लिखा है भाई, डाटा ना, तो गिवन वेपर प्रेशर डाटा मतलब वेपर प्रेशर का जो डाटा है वो कितना डिग्री टेम्परेचर पे भाई, 25 डिग्री टेम्परेचर पे। बेंजीन का वेपर प्रेशर 12.8 किलो पास्कल है ना,
मतलब जो प्रेशर दिया है वो किलो पास्कल में दिया है, और टोल्विन का भी वेपर प्रेशर आपको दिया गया है। तो बताना है कि द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, जो बेंजीन और टोल्विन का जो वेपर बनेगा वो इक्वल अमाउंट का बनेगा, या ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उतना इंफॉर्मेशन नहीं गिवेन है ना। और नेक्स्ट सी ऑप्शन में, द वेपर प्रेशर, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का परसेंटेज ज्यादा होगा, और डी में टोल्विन का परसेंटेज ज्यादा होगा। क्या आप लोग का दिमाग में आंसर बी आ रहा है क्या? चलिए नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रिडिक्शन के लिए। भाई प्रिडिक्ट थोड़ी ना करना है, सॉल्व कर सी। तो चलिए एक स्टूडेंट का सी आया, बाकी स्टूडेंट कितना? सी सी। चलिए ठीक है, सी सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। और किसी का कुछ ख्याल आ रहा है तो बताइए। अच्छा बताइए, बेंजीन का ये जो प्रेशर लिखा है क्या वो वेपर प्रेशर है या प्योर बेंजीन का प्रेशर है? ये प्योर बेंजीन का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है। समझ पा रहे हैं क्या? आइए थोड़ा, मुझे लग रहा है कॉपी कर लिए होंगे, है ना। हमारा सबसे पहले क्या है बताओ, बेंजीन और टोल्वीन है। इधर देखिए भाई, आपके पास क्या है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन कितना सॉल्व कराया गया था? बेंजीन है और टोल्वीन, बेंजीन है और टोल्वीन। क्या बेंजीन को अगर आप ए मानना चाहते हैं तो टोल्वीन को भी मान लीजिए। क्या इनका मोल का रेशियो बताइए क्या है? 1:1 है ना। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है? अरे बेंजीन का 12.8। थोड़ा आप लोग, थोड़ा ए को आपने, बेंजीन को ए माना है, तो बताओ पीए नॉट की वैल्यू कितनी है? 12.8। और पीबी नॉट की वैल्यू बोलो भाई क्या? 3.85। बोलो क्या? दोनों का यूनिट तो सेम है ना। अब बताइए अगर मोल का रेशियो दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है क्या? जल्दी से बताइए, ए का मोल फ्रैक्शन। अरे भाई ए का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, क्या क्लियर है ना? हाँ, तो बताइए क्या? 1/2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, क्या 1/2 हो जाएगा क्या? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हमको निकालना है पी ए मतलब बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, मतलब सोल्यूशन में बेंजीन का प्रेशर कितना होगा, तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एक्स से पी ए नॉट होता है कि नहीं होता है? तो पी ए इज इक्वल टू, ए का मतलब बेंजीन, तो एक्स ए, बताओ एक्स ए की वैल्यू 1/2 और पी ए नॉट की वैल्यू 12.8। बताइए वैल्यू कितनी आ गई? तो बताइए पी ए नॉट, पी ए की वैल्यू आ गई 6.4। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? उसी प्रकार पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स बी पी बी नॉट, और एक्स बी का वैल्यू 1/2 और पी बी नॉट 3.85, तो 2 से काटेंगे तो कितना टाइम्स में? 2 1 2, 2 8 16, 18 है ना भाई, तो 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10। तो बताइए जो पीबी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1.925 किलो पास्कल। बोलो भाई ऐसा आ गया ना। इसका मतलब ए का मतलब क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर क्या 6.4 है, और टोल्वीन का पार्शियल प्रेशर है ना, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है? और बेंजीन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो किसके भेपर ज्यादा बनेंगे? बेंजीन के। तो लिखा है द भेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन या क्या? टोल्वीन। तो बेंजीन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई? देखो थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पी ए प्लस पी एस का पी ए प्लस पी बी पी एस हो जाता है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो पी ए प्लस पी बी से डिसाइड होता है। ए का हमारा बेंजीन का कंपोजिशन ज्यादा है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मतलब उसके परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? सी। मुझे नहीं लग रहा आप लोग समझ में आया, समझ में आया ना, तो ठीक है समझ में आया, तो यही इसका सोल्यूशन है। तो चलिए आज की क्लास यही में समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में देखो आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे भाई, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है समझ पा रहे? सॉरी मैंने गलत बोला, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार का। पहला का नाम क्या होता है?
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।